हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बिजनेस इज मोर वायबल ऑप्शन देन अ जॉब. लेकिन उसमें धन्यवाद मेरे को यहाँ पर बुलाने के लिए, और मंचा सिंह जितने भी लोग हैं उन सबको प्रणाम करते हुए यहाँ मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम लोग अभी बात कर रहे हैं हमें सुनिए फाइनेंशियल सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स को गाइड करने की. मेरे लिए एक छोटी सी जर्नी रही है स्टार्टअप्स में. मैं भी एक टेक्नोलॉजी स्टार्टअप चला रहा हूँ. हम लोगों कोविड के पहले स्टार्ट किया था और अभी तक स्टार्टअप बिजनेस में मेरे ख्याल से स्टार्टअप का पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में अभी कोई ऐसा गाइडेंस सिस्टम या नहीं आया है. गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं स्टार्टअप इंक्यूबेशंस और उन सब के, लेकिन हम लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए. एक्चुअली स्टार्टअप्स की खूबसूरती ये है कि जब आप कन्वेंशनल बिजनेस में हैं तो आपको हेल्प लेने में प्रॉब्लम है. गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको अपने क्रेडेंशियल्स देने होते हैं. कहीं भी आप जाएंगे आपको सुना तभी जाएगा जब आपका एक ट्रैक रिकॉर्ड होगा. लेकिन स्टार्टअप सेक्टर में ये खूबसूरत बात है कि अगर आपके पास कोई आइडिया है जिसको आप कमर्शियली वायबल बना सकते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास भी मेरे ख्याल से हर सेक्टर ने अपना एक इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है. NFIC के पास भी है, STPI नेक्स्ट के पास भी है, और वहाँ से आप सीड फंड ले सकते हैं. बसरते कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अपने आइडिया को ग्रो कैसे करना है, मतलब स्टार्टअप को वाइबिलिटी तक ले जाना और किसी से सीड फंड ले पाना. उसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो हम लोगों ने डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजी पे एक एंटी काउंटर स्पीच एंड ऑथेंटिकेशन का स्टार्टअप स्टार्ट किया था. विद इन 2 ईयर्स इट इज नाउ वैल्यूड ओवर $1 million. उसकी वैल्यू लग चुकी है. तो उसमें हम लोगों ने किया यही कि पहले अपने स्टार्टअप को बिल्ड किया, उसके बाद फिर हम गवर्नमेंट के पास गए जिसमें NFIC के चेयरमैन वो मेरे मेंटर हैं, गाइड भी रहे हैं, पी उदय कुमार जी रिटायर हो गए, उन्होंने हमें गाइड किया. कुछ और लोग हैं अपने कम्युनिटी के, उन्होंने गाइड किया. तो मुझे लगता है कि हम लोगों को थोड़ा सा जो भी बिजनेस है आपका, क्योंकि बिजनेस करना, अभी तक हम लोग बिजनेस में आते हैं तो वो बाय चॉइस नहीं आते हैं. बनिया कम्युनिटी जो है वो अपने बच्चों को बिजनेस बाय चॉइस होता है उनका. हम लोगों में आधे लोग आए हैं जब हमारे पास दूसरे रास्ते बंद हो जाते हैं तो हम बिजनेस करने लगते हैं. इसलिए हम लोग बिजनेस में फेल होते हैं. क्योंकि बिजनेस में अगर हमने सीखना स्टार्ट किया 30 साल में तो बिजनेस प्रोसेसेस को सीखते सीखते आप 45 हो जाएंगे. हमें अपने बच्चों को इनकरेज करना चाहिए कि बिजनेस इज मोर वायबल ऑप्शन देन अ जॉब. लेकिन उसमें क्या है, आपको उसके प्रोसेसेस सीखने, डॉक्यूमेंटेशन, कैपिटल कहां से आएगा, ऑपरेशंस, डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे अभी नेटवर्क में लोग नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में नहीं है. मैन्युफैक्चरिंग में आप आ भी जाओ, आपके लोग डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, आप मार्केट में अपना सामान नहीं ले जा सकते. मैंने अपने स्टार्टअप में देखा, अगर यही स्टार्टअप एक बिजनेस कम्युनिटी के बच्चे ने शुरू किया होता, एक जैन कैंपेन शुरू किया होता, जैन मंदिर में जाता 10 लोग वहां बैठे हुए, क्योंकि मेरा जो स्टिकर है वो किसी भी उसमें एप्लीकेबल है, फूड, मेडिसिन, अपेरल्स, एवरीवेयर. तो मैं अपनी कम्युनिटी में ढूंढ रहा था लोगों की हमारे लोग मैन्युफैक्चरर हैं क्या, किस लेवल के मैन्युफैक्चरर है जिस पे मैं अपना कॉन्सेप्ट टेस्ट कर सकता हूं. वो ढूंढने में मुझे 1 साल लगा. हम लोगों को ये जितने चैनल्स हैं इनमें एक शक्ति है, जितने भी लोग हैं वो आपस में वर्कशॉप स्टार्ट कर दें. डिस्ट्रीब्यूशन किसके पास है, कितने लोग डीलर्स हैं जो जा रहे हैं अभी FMCG में, कितने लोगों की शॉप्स हैं, फिर कितने लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह एक दूसरे से बैठ के बात करेंगे, उनका माल रखें, उन्हें बिकवाएं, उनके पेमेंट सिस्टम में उन्हें लीवरेज दें. जब तक वो सिस्टम हम नहीं बनाएंगे एंटरप्रेन्योरशिप ग्रो करने का,
तब तक एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाएंगे। बाय डिफॉल्ट बन सकते हैं कि एक मिठाई अब नतूज में मिठाई की दुकान बंगाली मार्केट में रसगुल्ला बेचने शुरू भी किया, आज नतूज हो गए, बट तीन जनरेशन। आज का टाइम बहुत फास्ट जा रहा है, जो भी करना है उसके लिए हमें बहुत सिस्टमेटिक अप्रोच लेके एक दूसरे को आप जोड़िए। और मुझे लगता है अगर जो लोग भी नेटवर्किंग में मैन्युफैक्चरिंग में है उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स देखने चाहिए कि वो मार्केट में अपना कैसे सामान पहुंचाएंगे। तो बस इसे खत्म करते हैं। बाकी स्टार्टअप्स में किसी को कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं दे सकता हूँ, आप सबसे से नंबर ले लीजिएगा मेरा। क्योंकि स्टार्टअप बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं फिर जाते हैं, मैंने पेटेंट भी लिया है, तो पेटेंट लेने के क्या प्रोसेसेस हैं, पेटेंट के बाद आपको वीसीज कहाँ मिलेंगे। अभी बैंक फंडिंग की बहुत बात हो रही थी, अब वर्ल्ड में बैंक फंडिंग के अलावा एक एनवायरमेंट क्रिएट हो चुका है वो है वीसीज का। और वीसीज सिर्फ ऐसा नहीं कि स्टार्टअप को फंड कर रहा, वीसीज आपके किसी भी बडिंग बिजनेस को जिसमें आपकी बुक्स अच्छी हैं आपके प्रोजेक्शन अच्छे हैं आप चले जाइए वो आपको पैसा देते हैं। तो वीसीज कैसे काम कर रहे हैं, फंडिंग कैसे चल रही है, फाइनेंशियल मार्केट में कौन से नए टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बैंकिंग कैसे फंड करती है, इससे हमें वर्कशॉप्स की जरूरत है। तो सबकी है या जो और चीजें हैं उस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह की वर्कशॉप्स हम लोग करें, आयोजित करें और धीरे धीरे लोगों को अवेयर करना शुरू करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।